उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के सिसवा ब्लॉक के ग्राम सभा शीतलापुर निवासी 32 साल के नवरत्न तिवारी साल 2016 से दिल्ली में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में प्राइवेट जॉब कर रहे थे। लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में नौकरी छूटने के बाद नवरत्न ने घर पर ही रहकर कुछ काम करने की सोची। बहुत कोशिश करी लेकिन बात नहीं बनी। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र जाकर एक महीने तक सुभाष पालेकर से एक देसी गाय के जरिए केमिकल फ्री खेती का तरीका सीखा। इसके बाद नवरत्न ने दिसंबर 2020 मेधावी नगर के इंदिरा नगर वार्ड में 6 एकड़ जमीन लीज पर लेकर सब्जियों का उत्पादन शुरू कर लिया। नवरत्न के मुताबिक शुरुआती दौर में उन्हें हर महीने 10 से 20 हजार की आमदनी होती थी, लेकिन अब मौजूदा समय की बात की जाए तो अब ये आमदनी बढ़कर 1 से 1.5 लाख रुपए हो गई है। वहीं आपको बता दें कि पत्तों से तैयार होता है कीटनाशक। जिन पत्तों को पशु नहीं खाते हैं उन पेड़ों के पत्तों से नवरत्न कीटनाशक तैयार करते हैं, जैसे नीम, बेहुआ, धतूरा, कैनल। जो आप देसी नस्ल की गाय के गोबर से तैयार करते हैं खाद, किस तरीके से तैयार करते हैं? ये देखिए, खाद हम 3-4 तरह से तैयार करते हैं। एक तो हम गाय का गौमूत्र लेते हैं 15 लीटर, 2 किलो गुड़ और पानी लेते हैं। ये एक बूस्टर बनाते हैं, पौधों में बूस्टर का काम करता है। और सेकेंड हम बनाते हैं 15 लीटर गौमूत्र लेते हैं, 2 लीटर खट्टी छाँस गाय के गोबर का बना ताज़ा, और 2 किलो गुड़। ये आपका फंगीसाइड का काम करता है। और एक हम कीटनाशक बनाते हैं, तो कीटनाशक में 10 तरह के ऐसे पत्ते लेते हैं जो गाय भैंस नहीं खाते हैं, उनको लेते हैं और फिर उसमें आपका वो हल्दी पाउडर डालते हैं और उसको फिर उसको ड्रम में पानी 200 लीटर डाल के रखते हैं, तो ये 15 दिन में फर्मेंटेशन हो जाता है, तो ये कीटनाशक का काम करता है। ऐसे ही हम 5-6 तरह से और भी अपना DAP भी बनाते हैं, अपना यूरिया भी बनाते हैं जो गाय के गोबर से ही बनता है। जो इसमें आज उपयोग करते हैं आप खाद को लेके, शुद्ध देसी रहता है या कुछ और भी रहता है? नहीं, शुद्ध देसी है। हम इस खेत में वो केचुआ वाला खाद यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि पहले से ही ज़मीन में बहुत सारे केचुआ पड़े हुए हैं, तो हमें बस उन्हीं केचुआ को जो अंदर गए हुए हैं उन्हीं को हमको बाहर लाना है, बस काम पे लगाना है जो नीचे पड़े हुए हैं। इस खेती का जो फायदा है वो न सिर्फ देश में ही हो रहा है बल्कि विदेशों में भी इसकी डिमांड बढ़ने लगी है। हल्दी पाउडर अमेरिका में 1 दर्जन से ज़्यादा राज्यों में पहुंचता है। सीजनल सब्जियां इस तकनीक से तैयार हल्दी पाउडर दिल्ली, नोएडा, बेंगलोर, हरियाणा, गुजरात, केरला सहित लगभग 1 दर्जन राज्यों में आपूर्ति के अमेरिका तक खपत होती है, जिसका मूल्य देश में 250 रुपये तो अमेरिका में 1200 रुपये प्रति किलोग्राम होता है। पौधों में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए नवरत्न एक बेड पर 3 से 4 तरह के पौधों के जरिए नाइट्रोजन की पूर्ति कराते हैं। हल्दी की खेती में बीच बीच में अरहर के पौधों तो आलू में बीन्स के पौधे लगाते हैं, जो पौधों की जड़ तक नाइट्रोजन पहुंचाने में सहायक होते हैं। इसके अलावा देसी जुगाड़ में पॉली हाउस बनाकर पूरे साल टमाटर व खीरा का उत्पादन होता है, जिससे अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। वहीं इस तकनीक से नवरत्न बाजार में मिलने वाले बटर मशरूम की जगह वेस्टर्न मशरूम का उत्पादन करते हैं, जो काफ़ी वजनी व आकार में चपटा होता है, साथ ही काफ़ी सेहतमंद भी होता है। नवरत्न ने जिस जुगाड़ से इस खेती को शुरू किया था, आज के समय में ये खेती काफ़ी रंग ला रही है और इसका फायदा नवरत्न को पहुँच रहा है। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए गोरखपुर से अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।